आखिर क्यों सरकार को प्रोटेस्टर्स से फर्क नहीं पड़ रहा? जब दिल्ली पहुंचे तो हमारा स्वागत हमारे अनुमान से थोड़ा अलग था। अगर प्रोटेस्टर्स की डिमांड गलत है तो सरकार सामने आके बात क्यों नहीं कर रही? दूसरा दिन का खात्मा है अनशन का, थर्ड डे और चौथा दिन शुरू हो रहा है, पांचवा दिन है, छठवां, सातवें, आठवां, नौवें, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, थर्टीन, चौदहवें, 21st डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट। अगर इलेक्शंस के टाइम पे कोई चीज देने का दावा किया गया तो अब सरकार क्यों मुकर रही है? ये कहानी है लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की। हाँ, वही सोनम वांगचुक जिससे इंस्पायर हुए फुनसुक वांगडू। फुनसुक वांगडू और बनाई गई थ्री इडियट्स जिसने एजुकेशन सिस्टम में तहलका मचा दिया। इन्हें कितने सारे अवार्ड्स मिले दुनिया भर से, इंक्लूडिंग प्रेस्टिजियस मैग्सेसे अवार्ड। लेकिन यही सोनम वांगचुक मार्च 2024 के महीने में, जब -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है लद्दाख में, ये भूख हड़ताल पे रहे पूरे 21 दिन के लिए। इन्हें फिक्र है लद्दाख की डेमोक्रेसी की, एनवायरमेंट की, लद्दाख के लोगों के राइट्स की। इनकी टोटल चार डिमांड्स हैं। पहला, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, क्योंकि 2019 में जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 मेंबर पार्लियामेंट दिए जाए, क्योंकि अभी लोकसभा में लद्दाख से सिर्फ 1 मेंबर पार्लियामेंट जाता है और राज्यसभा में 0। चौथा, लद्दाख में जॉब सिक्योर करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन दिया जाए। अब 6th शेड्यूल की डिमांड करना जायज है या गलत? देखिए, अभी फिलहाल आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ये 6th शेड्यूल अप्लाई किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है, इन स्टेट्स में ये 6th शेड्यूल इसलिए अप्लाई किया गया है ताकि लोग वहां पे अपने लैंड, फॉरेस्ट्स और सोशल कल्चरल कस्टम्स को बचा सके, कोई बाहर से आके उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर सके। फॉरेस्ट्स बचाने हैं, पर लद्दाख में तो कोई फॉरेस्ट है ही नहीं। सोनम वांगचुक की ये कैसी सोच है? यही सोच रहे हैं ना? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एरिया की अपनी अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है और सोनम वांगचुक ने कई वीडियोस में समझाने की कोशिश की है, अगर लद्दाख में माइनिंग वगैरह शुरू की गई तो पूरा लद्दाख खतरे में आ जाएगा। The mountains are facing the wrath of nature in the face of climate change. नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, इन सब का खतरा बढ़ जाएगा। अब इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक सवाल किया था, अगर इलेक्शन के टाइम पे सरकार कोई चीज देने का दावा कर रही है तो अब वो मुकर क्यों रही है? दरअसल 2019 में जब इलेक्शंस हुए थे तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था, लद्दाख को 6th शेड्यूल दिया जाएगा। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6th शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। लेकिन अब 2019, 20, 21, 22, 23, 24 इतना टाइम लेने के बावजूद भी डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही। डिमांड्स का तो छोड़ो, इस मसले पर बात नहीं की जा रही। बात नहीं की जा रही, इस बात की बात कर रहे हो? 1 सितंबर को सोनम वांगचुक ने 120 लोगों के साथ लद्दाख से दिल्ली जाने की पद यात्रा शुरू की, लेकिन मंडे को जब वो दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां क्या हुआ? 120 आदमियों के साथ साथ सोनम वांगचुक को डिटेन कर दिया गया। दिल्ली सीएम आतिशी ने सोनम वांगचुक से मिलने की कोशिश की, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। हालांकि पुलिस ने पुलिस स्टेशन में मेरी एंट्री करवाई, उन्होंने मुझे सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। अब आप भी अपने ख्यालों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, आखिर हमें भी तो पता चले सोनम वांगचुक की डिमांड सही है या गलत। नाजरीन, मकामी और कौमी खबरों पर हमारा तबसरा ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।